काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रोटर्म स्पीकर का पद मेनका गांधी को दिया जाएगा? क्या प्रोटर्म स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेनका गांधी को बना दिया जाएगा? क्या प्रोटर्म स्पीकर की ये जो रेस लगी हुई है, उस रेस में भागने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अकेली है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीनियर नेता मेनका गांधी की झोली इस बार खाली छोड़ रखी है, वो कई तरह के सवालों के घेरे में बीजेपी को खड़ा करती है। कई तरह के सवालिया तीर भारतीय जनता पार्टी पर चलते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री का अगर विस्तार होता भी है तो भी मिनिस्ट्री में अब जगह मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को दी जाएगी, और इन सबके बीच में अब मेनका गांधी का क्या होगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। प्रो टर्म स्पीकर की रेस में मैं आगे हूं, ऐसा खुद मेनका गांधी कहती हैं। उस वक्त जब सुल्तानपुर के दौरे पर वो गई थी, किया गया था उनसे वहां पर सवाल कि अब पार्टी आपका क्या करेगी, आपको कैसा पद देगी, क्या लग रहा है आपको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। मेनका ने कहा, मैं सीनियर नेता हूं और प्रो टर्म स्पीकर की रेस में अब भी सबसे आगे हूं। क्या वाकई मेनका सबसे आगे है? इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। वीरेंद्र कुमार मेनका गांधी को यहां पर टफ कॉम्पिटिशन देते हुए एमपी के टीकमगढ़ सीट से 7 बार लगातार सांसद चुने जाने वाले वीरेंद्र कुमार इस वक्त प्रो टर्म स्पीकर के लिए एक बेहतरीन विकल्प माने जा रहे हैं। जहां एक तरफ मेनका गांधी 8 बार सांसद हैं, तो वहीं वीरेंद्र कुमार 7 बार खुद को सांसद बना चुके हैं। 7 बार एक ही लोकसभा सीट से एमपी के टीकमगढ़ से उन्हें सांसद चुना गया है। इसका मतलब है कुछ तो बात उनमें है जो वो जनता टीकमगढ़ की उन पर भरोसा करती है, कुछ तो बात है उनमें जो जनता उन पर भरोसा कर 7 बार लगातार उन्हें ही जिता रही है। कुछ तो विश्वसनीयता जनता के बीच वीरेंद्र कुमार की है, और ये विश्वसनीयता मेनका गांधी पर भारी पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेनका गांधी को सबसे बड़ा झटका यही है कि प्रो टर्म स्पीकर के लिए मेनका की राह इतनी ज्यादा आसान नहीं है। एसएस आहलूवालिया का जिक्र यहां पर हम आपसे करेंगे। एसएस आहलूवालिया सदनों में अच्छा काम उन्होंने किया है, इसके लिए वो जाने जाते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा नाम है। हालांकि आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले राजीव गांधी की सरकार में 4 बार राज्यसभा सांसद एसएस आहलूवालिया को चुना जा चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सदन में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब राजीव गांधी के साथ, जब राजीव गांधी की सरकार का टाइम चल रहा था, तब 4 बार राज्य सभा सांसद उन्हें चुना गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं यहाँ पर एसएस आहलूवालिया, और ये अनुभव मेनका गांधी पर भारी पड़ सकता है। ये अनुभव मेनका गांधी के लिए चुनौती का काम कर सकता है, क्योंकि राजनीति के अखाड़े में उम्र और अनुभव ये दो ही सिक्के हैं जो ज्यादातर चमकते हुए चलते हुए देखे गए हैं। तीसरा नाम यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, साथ में पूर्व कृषि मंत्री के पद को भी संभाल चुके हैं, राधा मोहन सिंह। 6 बार सांसद राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ मेनका गांधी है जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे ही प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन मेनका गांधी से हटकर वीरेंद्र कुमार, राधा मोहन सिंह और एसएस आहलूवालिया, इनके काम की बात करें, इनका आप इलेक्शन रिकॉर्ड देखें, इनकी जीत का रिकॉर्ड देखें, इनका अनुभव देखें, तो ये सारी चीजें प्रो टर्म स्पीकर की अखाड़े में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहां सवाल ये उठता है कि क्या आप एसएस आहलूवालिया, राधा मोहन सिंह और वीरेंद्र कुमार, इन तीनों को नजरअंदाज करके पार्टी की ओर से मेनका गांधी को यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेनका गांधी को प्रो टर्म स्पीकर का पद दिया जाता है, या पार्टी मेनका के साथ बेवफाई कर जाती है और इन तीनों में से प्रो टर्म स्पीकर किसी दूसरे को बना दिया जाता है? ये सवाल है जो उठ रहे हैं और तब तक उठते रहेंगे जब तक प्रो टर्म स्पीकर के नाम की घोषणा यहाँ पर नहीं हो जाती। फिलहाल मेनका गांधी की राजनीति लगातार चर्चा में है, क्योंकि ये राजनीति लड़खड़ा भी सकती है। इस वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SPN9 News के साथ लगातार जुड़े रहें।